तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। साईं ने कभी किसी को कोई गुरु मंत्र नहीं दिया। राधाबाई देशमुख प्रण करके शिरडी आई कि उसे साईं से गुरु मंत्र लेना है। वो 3 दिन तक भोजन पानी लिए बिना बैठी रही। शरीर डामाडोल हो गया, परंतु गुरु मंत्र ना मिला। साईं ने उसे समझाया, मां, मेरे गुरु ने मेरे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, फिर भला मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं? गुरु मंत्र पाने की आशा छोड़ दो। गुरु मंत्र से गुरु की कृपा नहीं बरसती। तुम अनन्य भाव से सदगुरु की ओर देखो, तुम्हें अपने आप सदगुरु की कृपा मिल जाएगी। तो आइए, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूंगा का गायन और पारायण करते हैं। काफी बूढ़ी नार थी राधाबाई नाम, आई संग मनेर से शिरडी साई धाम। उसने खाई थी कसम, लूंगी गुरु से मंत्र, गुरु ही मेरा तंत्र है, गुरु ही मेरा यंत्र। जब तक सदगुरु फूंक कर नहीं भरेंगे कान, शिरडी से ना जाऊंगी इतना निश्चित मान। साईं जग के मीत है, रिश्ते में वे ज्येष्ठ, सब गुरुओं के वे गुरु, सब संतों में श्रेष्ठ। मुख से निकला शब्द भी होता परम पवित्र, जीवन सुरभित जो करे मिले मंत्र कईत्र। गुरु मंत्र मिल जाए तो आने का है अर्थ, वरना इतनी दूर से आना जाना व्यर्थ। पक्का निश्चित कर लिया, पक्का किया विचार, गुरु मंत्र के बाद ही अन्न करूं स्वीकार। भोजन पानी त्याग कर शुरू किया उपवास, आशा पूरी हो तभी दूंगी भोजन ग्रास। दृढ़ निश्चय पर थी अटल, खुद पर था विश्वास, पूर्ण करेंगे साईं जी बस। पूरे हुए भला नहीं अरमान, फिर भी तिल भर ना डिगे उस बाला के प्राण। श्यामा को चिंता हुई, देख उसे बेहाल, सूखे नरकंकाल से उस वृद्ध के गाल। राधा का तन हो गया सूखे तरु की डाल, रहा अगर यह हाल तो ये जाएगा काल। श्यामा आया भाग कर श्री साईं के पास, वृद्धा नार को क्यों देते हो त्रास? बेचारी दिन 3 में हो गई तरवर ठूठ, कांटे सी गई सूख तो प्राण जाएंगे।
जल गया अगर प्राण तो कुछ ना बचेगा शेष। ऐसा होता है अगर टूटेगा विश्वास, मिट्टी में मिल जाएगा तेरा कीर्ति प्रकाश। शोर मचा कर लोग जब प्रकट करेंगे रोष, उल्टे तेरे शीश पर उड़ जाएगा दोष। अब तक तेरे हाथ से हुआ नहीं अपवाद, नहीं फैलाना चाहिए कोई वृथा विवाद। सदगुरु साईनाथ ने तुरत सुनी फरियाद, लाओ मस्जिद में उसे किया भक्त को याद। साईं बोले प्रेम से सुनो गौर से बात, हठ पूर्वक क्यों कर रही व्रत पालन तू मात। माता अपने आप को क्यों देती है कष्ट, इससे तेरे प्राण ही हो जाएंगे नष्ट। तेरी आशा की तरह मुझको भी थी आस, मंत्र देंगे गुरु मुझे बुला कर पास। इंतजार था आँख में और मचलते प्राण, मंत्र डाल कर कान में कर देंगे कल्याण। गुरु मंत्र की आस में सेवा की भरपूर, लेकिन आशा ना फली इच्छा रह गई दूर। मेरे गुरु ने ना कभी फूका मेरा कान, फिर भी मैं तेरे कान में करूं कौन सा गान। माता मंत्रोच्चार की मुझसे न कर आस, मंत्र गुरु का है नहीं मेरे खुद के पास। करता रहता था सदा सदगुरु का मैं ध्यान, श्रद्धा विश्वास से आया मैंने ज्ञान। इस मस्जिद में बैठ कर बोल ना सकता झूठ, सत्य अगर मैं ना कहूँ अल्लाह जाते रूठ। सदगुरु साईं ने कहा माता इतना जान, कान फूकने से कभी हो पाता ना ज्ञान। सदगुरु कृपा का करो इंतजार दिन रात, इंतजार कर धैर्य रख तब बनती है बात। आध्यात्मिकता का भरे सदगुरु ज्ञान प्रकाश, ईश्वर के साक्षात का देता वह आभास। गुरु मंत्र से ज्ञान हो समुचित नहीं ख्याल, गुरु कृपा
पाक पुंज से जलती ज्ञान मशाल। आगे साई ने कहा माता व्रत को तोड़, संभव ना उसके लिए अपने हठ को छोड़। भोजन पानी कर ग्रहण, टुकड़ा मुख में डाल, भूख से ना बेहाल हो, खुद को अब संभाल। लख चौरासी घूम कर पाया तन का चोल, काया को ना कष्ट दे यह काया अनमोल। रक्षा काया की करो, करो ना इसे नष्ट, काया माध्यम धर्म का, मत दे इसको कष्ट। मुझ पर दृढ़ विश्वास रख, बातें मेरी मान, आध्यात्मिक आरोह का तुझे मिलेगा ज्ञान। देखो मेरी आँख में रख कर भाव अनन्य, सदगुरु ज्ञान प्रकाश है और न कोई अन्य। धुनी रमा जो देखता हरदम मेरी ओर, मैं भी उसको देखता होकर भाव विभोर। जो देखे जिस भाव से वैसे पड़े प्रभाव, उसी भाव से देखना रहता मेरा भाव। गुरु ने सिखलाया मुझे ऐसा ही आचार, मैं उसके अनुरूप ही रखूं सदा व्यवहार। श्रद्धा भक्ति आस्था पूर्ण करे अरमान, करुणा में देखे जिसे हो जाता कल्याण, हो जाता कल्याण, हो जाता कल्याण, हो जाता।